हाय गाइस, आज मैं एक आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जो बहुत से छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ खाते नहीं हैं और उनकी माएँ बहुत परेशान होती हैं कि वो खाते नहीं हैं कुछ भी। उनको बहुत पोषण की ज़रूरत होती है, विटामिन्स वाली चीज़ें की ज़रूरत होती है, तो वो कुछ जल्दी खाना ही नहीं चाहते हैं सब चीज़ें। उनको तो मैगी पास्ता ही सब पसंद होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताना चाहती हूँ जिससे आप अपने बच्चों को उसे आटे में डाल के और सान के खिला सकते हैं और आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। ये मैंने ली है मूंगफली, इसको मैं अब पीसने जा रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये मूंगफली एकदम बारीक पीस चुकी है। देखिए गाइस, ये ऐसी हो गई है पीसने के बाद। अब हमने लिए है चने। इस चनों को आप थोड़ा बहुत छिलके निकाल सकते हैं, मैंने जितने निकले निकाल दिए। आप और अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं इन छिलकों को और अब हम इन्हें भी पीसते हैं। ये देखिए गाइस, ये पीस के कितने बारीक हो गए हैं, बहुत अच्छे से पीस गए हैं ये। ये देखिए गाइस, मैंने इसे इनमें खाली कर लिया है और ये देखो कितने बारीक हो गए हैं, वो एकदम बारीक हो गए हैं। गाइस, अब हमने लिए हैं थोड़े से अखरोट, अब हमें इनको भी पीसना है। अखरोट भी बहुत हेल्दी होते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारे अखरोट पीस चुके हैं। ये देखिए गाइस, ये हल्का सा थोड़ा इसमें मॉइस्चराइज़र होता है क्योंकि ऑयल होता है ना, तो इसी वजह से मॉइस्चराइज़र होता है इसमें थोड़ा। तो इसे आप किसी अलग ही डब्बे में रखिएगा। गाइस, अब मैंने यहाँ पे लिए फ्लैक्स सीड, मतलब अलसी। ये बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्दी होती है और जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है उन्हें तो ज़रूर खाना चाहिए। अलसी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। वैसे आप इसे डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मेरे यहाँ थी तो मैं आटे में मिला देती हूँ उसे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये पीसने के बाद ऐसा हो गया है। और इसे आप चाहें तो हल्का सा रोस्ट करके भी पीस सकते हैं, मतलब हल्का सा भून के कढ़ाई में तब भी पीस सकते हैं। मैंने तो इन्हें भुना नहीं, मैंने ऐसे पीस दिया है इन्हें, आप भून के भी पी सकते हैं। इसमें भी हल्का हल्का मॉइस्चराइजर है। और ये है गाइस हमारे बादाम, जिसे हमने पहले पीस के रख लिया था। ये भी एकदम बारीक हो गया है। देखिएगा, जैसे मैंने ये पांचों चीज़ें पीस ली हैं, ये हमारी अलसी, ये है बादाम, ये है चने और ये है हमारी मूंगफली और ये हमारे अखरोट। अब इन सबको हमने पीस लिया है। अगर आप इसमें और चीज़ें भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे काजू भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे काजू नहीं लिया है, मैंने खाली यही पांचों चीज़ें ली हैं बस। गाइस, आप लोगों को इन सारी चीज़ों को आप अलग अलग डब्बे में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इकट्ठे भी रख सकते हैं, पर आप अलग अलग डब्बों में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप इनको प्लास्टिक के कंटेनर में भी रख सकते हैं और आप चाहे तो इनको स्टील के कंटेनर में भी रख सकते हैं, वैसे स्टील में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और आगे का प्रोसीजर ये है कि जब आप रोटी बनाने के लिए आटा साने तो आटे में एक एक चम्मच आप इन सबको मिला दीजिए और फिर सान लीजिए। फिर देखिए, आपकी रोटी बहुत हेल्दी होगी, आपके बच्चे भी खाएंगे, आप लोग भी खाएंगे और इसमें बादाम वगैरह सब चीज़ें हैं तो बहुत बेनिफिट है रोटी के।
मम्मी लोग बहुत परेशान होती हैं कि बच्चे ये नहीं खाते वो नहीं खाते, तो इससे आप अपने बच्चों को बहुत सारे विटामिन उनके रोटी के द्वारा दे सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।